नमस्कार दोस्तों, पिक माई वर्क के इंडिफी बिजनेस लोन में आपका स्वागत है। इंडिफी दे रहा है बिजनेस लोन्स एमएसएमईज को अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ताकि वो अपने बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स यानी कि खर्चों को क्रेडिट पर कवर कर सकें और बाद में प्रॉफिट आने पर चुका सकें। इंडिफी क्या दे रहा है? इंडिफी दे रहा है बिजनेस लोन, ताकि बिजनेसमैन अपने बहुत सारे नीड्स को पूरा कर सके, इजी रीपेमेंट, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग के साथ। इसमें एलिजिबिलिटी है हमारी, मिनिमम एज होनी चाहिए बिजनेसमैन की 22 साल और बिजनेस ऑपरेशन कम से कम एक साल रन हो चुका होना चाहिए। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ्स की पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी फाइलिंग, ड्रग लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, टिन और वैट रजिस्ट्रेशन। इंडिफी दे रहा है ये लोन्स फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ, 12 से 36 महीनों में 50,000 से 50 लाख तक, कोई हिडन चार्जेस नहीं और कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट 1.5 से 2.5% पर। सबसे बड़ा सवाल जो कि आपके कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं कि हमें कितना लोन मिलेगा, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट रेटिंग, बिजनेस के प्रॉफिट और रेवेन्यूज पर, जो कि आपके फाइनल लोन अमाउंट को डिटरमाइन करेगा। तो कैसे काम करना है इंडिफी प्रोजेक्ट में, आइए देखते हैं। आप पिक माई वर्क ऐप में जाके मर्चेंट अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इंडिफी बिजनेस लोन प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एड लीड पर क्लिक करके शेयर लिंक वाले टॉप में दिए गए ऑप्शन से लिंक शेयर करेंगे कस्टमर या यूजर को, ताकि उनकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो सके। ऑनबोर्डिंग का लिंक कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जहां पे डालना होगा आपको एनुअल टर्नओवर, फुल नेम, फोन नंबर और ईमेल आईडी। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा एक ओटीपी के जरिए। फिर उसके बाद आपको डालनी होगी आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे कि पैन पे जो नाम है वो, ईमेल आईडी, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट रेजिडेंस एड्रेस और रेजिडेंस की ओनरशिप क्या है, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डालनी होंगी बिजनेस की डिटेल्स कि अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, एनुअल टर्नओवर कितनी है, नाम क्या है कंपनी का, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या कोई अदर्स है, क्या आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या आपके पास ऑफिस है या नहीं है और कितना पुराना है आपका बिजनेस, और अगर आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है तो उसका यूआरएल भी, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स लेने के बाद इंडिफी चेक करेगा कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है लोन की और उसके हिसाब से लोन सैंक्शन कर देगा। पर यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अब हमें काम सबमिट करना है पिक माई वर्क ऐप में, ताकि हमें हमारा पे आउट मिल सके। उसके लिए अगेन हम पिक माई वर्क ऐप में जाएंगे और ऑनबोर्डिंग या क्लेम फॉर्म ओपन करेंगे और वहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रूफ ऑफ कंप्लीशन डालेंगे। प्रूफ ऑफ कंप्लीशन आपसे वहाँ मांगा जाएगा और बताया जाएगा, ताकि पिक माई वर्क ऐप को पता चल सके कि आपने ये काम कर दिया है और आपको पे आउट आपके वॉलेट में डाल सके। पिक माई वर्क के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।